शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस में बेसिकली हम इसमें तीन टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस कवर करेंगे। एक वो ऑसिलेशन जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, विच इज द फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब है कि उसकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे वो कम नहीं होगा, मतलब हमेशा करने वाला, मतलब आइडियल केस वाला, राइट? दैट इज अ फ्री ऑसिलेशन, जिसका एक कल क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज में कि अगर वैक्यूम में कराई जाए कोई ऑसिलेशन, देन इट विल बी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा अगर वैक्यूम में कराई जाए? कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस उसमें अगर नहीं लग रही है तो, राइट, तो उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होना चाहिए। दैट इज अ फ्री ऑसिलेशन, जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा और करती रहेगी ऑसिलेशन, ठीक है? वो तो आइडियल केस वाली हो गई। प्रैक्टिकली जो होती है दैट इज डैम्ड ऑसिलेशन। अगर हम सिंपल पेंडुलम अपने हाथ में पकड़ के उसको स्विंग कराएंगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज द प्रैक्टिकल ऑसिलेशन विच इज नोन एज डैम्ड ऑसिलेशन। जैसे बच्चा कोई झूला ले रहा है, अब उसने इनिशियली उसको किसी ने धक्का मार के छोड़ दिया तो धीरे 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 करके वो झूला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्लो होता रहेगा और अंत में आके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है? इसके बाद आती है थर्ड, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि सपोज को बच्चा झूला ले रहा है और साथ में उसके पापा पीछे से खड़े होके उसको धक्का मार रहे हैं हर स्विंग के बाद, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, बताओ? सर अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है फिर तो मतलब सेम फोर्स धक्का मारे फिर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा उसका, सेम फोर्स तक सेम, यस करेक्ट। एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, देखो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट ऑफ L by G, राइट? तो टाइम पीरियड जो है एक पर्टिकुलर टाइम बाद, मान लो उसने एक चक्कर खत्म किया, उसी टाइम बाद किसी ने पीछे से दोबारा धक्का मार दिया तो उसका एम्पलीट्यूड वो कम नहीं होने देगा, हाँ के ना? ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर हम फोर्स कुछ ज्यादा लगा रहे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता भी रहे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। ठीक है, सपोज उस स्विंग ने खत्म करने को लेट से 4 सेकंड लिए, एक टाइम पीरियड है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होके यहां गया फिर वापस यहां आ गया, 4 सेकंड लिए, तो 4 सेकंड बाद ही पीछे खड़े व्यक्ति ने उसको धक्का मारा, ठीक है, फिर 4 सेकंड बाद फिर यहाँ पे आ गया, फिर 4 सेकंड बाद इसने फिर धक्का मारा, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस एक एक्सटर्नल उसको ड्राइविंग फोर्स मिलती जा रही है जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड सेम तो रह सकता है लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ही इज अप्लाइंग, राइट? तो दिस इज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन कि हम उसको बार बार एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी जो ऑसिलेशन है उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो डाई आउट ना हो, ठीक है, या फिर इनफैक्ट उसका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड यहां तक बढ़ जाएगा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसकी ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा भी सकते हैं। दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। एंड यहाँ पे जो ये चीज हो रही है, बंदा ये जो बार बार इसको धक्का मार रहा है, इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या, रेजोनेंस में है क्या चीज, रेजोनेंस, इस स्विंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी थी ऑसिलेशन की, हाँ के ना? Yes, इस स्विंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी थी, मान लो अगर टाइम पीरियड मैंने सपोज एग्जांपल लिया था कितना, 4 सेकंड लिया था एग्जांपल, यस सर 4 सेकंड, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/4 हर्ट्ज, ठीक है, ये इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी विच इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्विंग की है 1/4 हर्ट्ज। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी भी 1/4 हर्ट्ज कर दें, एक्सटर्नल फोर्स जो पीछे खड़ा
बंदा है जो उसको धक्का मार रहा बार बार, ठीक है, इस बच्चे के पापा जो है उनकी भी फ्रीक्वेंसी 1/4 हर्ट्ज कर दें, तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर जाएंगी, आपस में मैच हो जाएंगी, राइट। अगर ऐसा होता है तो उस केस में रेजोनेंस हो जाती है। रेजोनेंस का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना, ठीक है। जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी आपस में सेम होती है, दो चीजें कौन सी, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो सिस्टम रेजोनेट करने लगता है विद द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एंड दैट मींस दिस फिनोमिना कैन एक्चुअली इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, इससे ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, क्या बोला जाता है, रेजोनेंस, ठीक है। और इस रेजोनेंस इफेक्ट के बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। डू यू नो एक हैव यू हर्ड अबाउट अ वेरी ओल्ड न्यूज, शायद कहीं पढ़ा हो तुम लोगों ने, एक ब्रिज के बारे में। वो ब्रिज जो है अपने आप ही, मतलब आंधी आई और इतना स्ट्रॉन्ग सा ब्रिज था वो अपने आप ही टूट गया। सर यूएस में? यस यूएस में, टकोमा ब्रिज था वाशिंगटन में। यस सर सुना है। यस सर वो सुना है, इसी वजह से गिरा था सर वो हवा की। सर उसको कहा भी गया था रेजोनेंस डिजास्टर हुआ वहां पे। राइट, रेजोनेंस डिजास्टर हुआ था। तो उसमें एक्चुअली में क्या था, वो ब्रिज की खुद की एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। एक हम ना ये अगले चैप्टर में वेव्स में देखेंगे कि जब किसी चीज को हम दो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट्स के बीच में बांध देते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रिज है इस केस में, तो उसको दो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट्स के बीच में हम बांध देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर की खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है उसकी, एक खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब जब वो आंधी आई, उसने एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की, और उस एक्सटर्नल जो फोर्स थी उसकी भी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच खा गई, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता गया और अंत में आके ये कोलैप्स कर गया ब्रिज। लेट मी शो यू वीडियो। जस्ट इमेजिन, देखो ब्रिज कैसे घूम रहा है, कैसे ऑसिलेट कैसे कर रहा है ब्रिज। अरे असली मर है या एनिमेटेड है? अरे भाई असली है, असली है ये, दिस इज रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा। तो बंदा मर रहा है वो ये रिकॉर्ड कर, अरे बाहर से इधर से देखो कहां से कर रहे हैं रिकॉर्ड, है ना, पहले भी देखो कहां से हुआ रिकॉर्ड, उसी ब्रिज से ही तो हुआ है, देखो खुद भी। अरे यहां से सर अभी जो आएगा आगे करो सर आगे विलन। अरे उसको क्या पता था वो टूट जाएगा और मरने वाला है, ठीक है, यहाँ से भी तो हो रहा है ना रिकॉर्ड। पोस्ट कैसे करी, कैसे करी, क्या पता बच गया। हाँ ये देखो सर, तैरना आता होगा उसे। तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, इट्स एक्चुअली सही बात है, यहाँ इस पे विश्वास करना इट्स रियली हार्ड। लग रहा है जैसे रबड़ का ब्रिज हो। रेजोनेंस टेकोमा ब्रिज के साथ तुम लोग सर्च कर सकते हो उसको। ठीक है, तो वो कलैप्स कर गया, इतनी ज्यादा
उसकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर गई थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो दूसरी चीज ग्लास वो होता है ना, वो कौन सी सिंगिंग होती है यार, ओपरा सिंगिंग कहते हैं उसको, सिमर चीखेगी जरूरी नहीं है ना टूटेगा, या मिलन चीखेगी, मिलन तो तोड़ देगी सर, मिलन तोड़ देगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है मिलन, वो फ्रीक्वेंसी कि आवाज निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस ग्लास की होगी जिसको तोड़ना है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है एक्चुअली, ग्लास की जो ये देखो, अब यहाँ पे तो तुम लोग नहीं बोलोगे ना, ये एक्चुअली में दिस इज अ स्लोमो वीडियो, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वीडियो है। यहाँ पे इस ग्लास की एक पर्टिकुलर, इस हर हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे भी, है ना। तो हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से क्या है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इसके साथ इसके ऊपर सुपरइम्पोज कराएंगे तो वो इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकती है। टूट गया, ठीक है। यहां पे तो खैर एक डिवाइस लगाया हुआ था उन्होंने जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। तो दिस एक्चुअली हैपेंस, इट इज रियली इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि दो चीजें आपस में रेजोनेंस में हैं, मतलब दे आर इन सिंक, दे आर इन रेजोनेंस, दे आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर, मतलब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, दे आर इन सिंक विद ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है रेजोनेंस, इंग्लिश मीनिंग। ओके, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल वो है स्विंग वाला, जिससे हमने ये स्टार्ट किया था डिस्कशन। तो स्विंग वाला एग्जांपल इज वेरी, यू नो, वो आसान भी है समझना, विजुलाइज करना भी आसान है, उस पर विश्वास करना भी आसान है। एक बच्चा जो कि स्विंग ले रहा है, उस सेम फ्रीक्वेंसी के साथ अगर पीछे खड़े उसके पापा उसको धक्का मारते रहेंगे तो वो एम्पलीट्यूड बढ़ाता रहेगा। अब सपोज अगर मान लो उसी के साथ, अगर मैं यहाँ पे जो बोल रहा था, अगर सपोज इसका टाइम पीरियड तो 4 सेकंड, मतलब यहां से जाके वापस यहां तक आया वो 4 सेकंड में, और इसके जो पीछे पापा हैं उसने उन्होंने धक्का मारा कितने, 5 सेकंड बाद, इस बंदे ने धक्का मारा 5 सेकंड बाद, क्या फायदा होगा? नहीं, वो इतने में निकल गया होगा, या 4.5 सेकंड्स बाद भी वो इतने में निकल गया होगा, ठीक है, तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर पहले ही धक्का मार दिया, ये मतलब बॉडी अभी देखो 3 सेकंड बाद कहां पे होगी बॉडी, ये वाली पेंडुलम, ये अभी यहां पे जा रहा होगा इधर को, हाँ के ना, 0 सेकंड पे यहां पे, 1 सेकंड पे यहां पे, 2 सेकंड पे यहां पे, 3 सेकंड पे यहां पे, तो 3 सेकंड पे यहां पे, 3.5 पे यहाँ पे, तो 3.5 सेकंड की अगर मैं बात करूँ, 3.5 सेकंड पे अभी इधर जा रहा है ना, yes, sir. तो उस टाइम पे धक्का मारेंगे, पेंडुलम तो इधर जा रहा है, तुम खुद इमेजिन करो जरा, तुम्हारे तरफ जो चीज आ रही है उसको तुम वापस धक्का मारोगे, क्या वो तो जस्ट फोर्स वेस्ट हो जाएगी उसकी स्पीड को कम करने के लिए, इट विल नॉट हेल्प टू इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, हाँ के ना, yes, sir. राइट, तो इसलिए रेजोनेंस के लिए फ्रिक्वेंसी बराबर होना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये होती है, ये होता है रेजोनेंस इफेक्ट। सर हाँ जी बोलो। तो फिर ये ब्रिज वाले इंसिडेंट्स अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? ब्रिज वाले उसके लिए बहुत सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत पुराना नहीं है टकोमा का एग्जांपल, बिल्कुल बहुत पुराना है दिस, ये मेरे ख्याल 1950 के अराउंड हुआ था शायद, बहुत काफी पुराना है सर, वहां पे कैमरा थे ना, अभी वही सोच रही हूं रिकॉर्ड अच्छे लग रहे फोन से किया होगा इसने। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए तो आजकल तो खैर काफी अच्छी अच्छी इन बहुत कुछ है, अच्छी ट्रसेस बनाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब टैग्स है वो, उसमें
1940 दिखा रहा है इंटरनेट पे। 1940 हाँ वही 1940-50 में भी बोल रहा है 1940-50 के आसपास। ठीक है yeah. हाँ चलो जी, तो टाइप्स लिखते हैं। पहली टाइप है फ्री ऑसिलेशन। The oscillation in which the amplitude and energy of oscillation remain constant. In this there are no dissipative forces. इसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, तो अगर इसकी फोटो बनानी है हमें, इट कैन बी एम्पलीट्यूड हमेशा क्योंकि सेम है तो ऐसे ही चलता रहेगा। Second, a damped oscillation. Damped oscillation में क्या होगा? Amplitude and energy of the oscillation will decrease continuously, right? In this, the amplitude and energy of the oscillation will decrease continuously due to dissipative forces. तो इसके ग्राफ में जो ये हमने कर्व बनाई है, तो अगर इसका एम्पलीट्यूड हमें लगातार कम करते दिखाना है तो इसकी हाइट को कम करते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसी कुछ बन जाएगी। And it will die out eventually. Third is forced oscillation.
the oscillations under the effect of external periodic force. Is called forced oscillation. ठीक है जैसे एग्जांपल लिख लो इसकी If a child is swinging on a swing and his father is pushing the swing every time periodically this can not only prevent to decrease the amplitude but also can increase the amplitude of oscillation. ठीक है और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं रेजोनेंस ये फोर्थ काइंड नहीं है अलग हेडिंग है रेजोनेंस क्या चीज है व्हेन दी वेंदी क्या होता है रेजोनेंस को हम कैसे बोलेंगे वेंदी कौन सी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी करेक्ट व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन external external driving force yes of external driving force This can lead to increase in amplitude of oscillation. This phenomena is known as resonance.
इसके एग्जांपल में एक तो ये टकोमा ब्रिज वाला एग्जांपल भी लिख सकते हैं, और पहले ये स्विंग वाला एग्जांपल भी हम दोनों इसमें ही लिख सकते हैं। ऊपर वाला एग्जांपल लिख लो, ए फादर पुशेस द चाइल्ड ऑन अ स्विंग पीरियोडिकली विद सेम फ्रीक्वेंसी देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज इट इंक्रीजेस। Tacoma Bridge in USA in कितना था 1940 था ना, ये 1940 साल याद करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही फॉर योर रेफरेंस। कोलैप्स्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड of oscillations due to resonance effect. ठीक है जी, चमक गया everyone? Yes, sir. Okay. तो फील आ गई, रेजोनेंस क्या होता है? यस सर। राइट, ठीक है जी, चलो दैट्स इट विद द टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, एनी डाउट? अदरवाइज वी कैन एंड दिस सर। हां जी, जो ये रेजोनेंस होती है जब ये मैच कर जाती है तब ब्रिज टूटा था कि एक्सीड कर गई थी एम्पलीट्यूड, तब जब नहीं, जब ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड एक्सीड कर गया, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन से नहीं है वो, ऑब्वियसली जब उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब वो टूट गया। okay. क्योंकि हाँ, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, उसके बॉन्ड्स टूट रहे थे ना अंदर। ओके, ना वो क्रैक्स डेवलप हो रहे थे, जब क्रैक्स वो एक लिमिट के पार हो गई एम्पलीट्यूड तो टूट गया। तो सर वो एम्पलीट्यूड लिमिट के पार फ्रीक्वेंसी मैच होने पर हुई के उससे बढ़ने पर हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ही, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दी फिर तो मिसमैच हो गया फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी का ये मैच हो गई और बढ़ गई, ये कैसे समझ नहीं आया? यस, फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने की वजह से क्या एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है? नहीं सर, नहीं नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सेम है तब एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा फोर्स पे, एक्सटर्नल हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं। ठीक है, सपोज इसको तुम उससे सोचो ना, अपना स्विंग वाले एग्जांपल से, अब स्विंग ले रहा है बच्चा, तुम स्विंग ले रहे हो, तुम्हारे पापा पीछे से धक्का मार रहे हैं, अब उन्होंने है ना, तो उन्होंने एक कम फोर्स लगाई तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड डाई आउट नहीं होगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाई तो ज्यादा थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स पे डिपेंड करता है। ओके, बट फ्रीक्वेंसी हैज टू मैच, अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की फिर तो रेजोनेंस आएगी ही नहीं आएगी, ये तो पक्का है सर। ठीक है जी, एक वो नहीं होता जब कहते हैं कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फोर्स फ्रीक्वेंसी जो भी है ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण जब मैच करते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो क्यों होती है? वो साउंड ऑर्गन पाइप्स में, हम वो भी करेंगे वेव्स में। ओके सर, फ्लूट उसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हाँ जी सर, आपने कहा भी फोर्स पे डिपेंड करता है ना कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं। हाँ,
तो फिर रेजोनेंस में हर बार इंक्रीज होना जरूरी तो नहीं है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह सकता? हाँ, अगर बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं। और सर अगर मैं फोर्स सिर्फ उतनी लगा रहा हूँ कि वो उसकी डिसिपेटिव फोर्सेस को ही काउंटर कर पा रही है। उसने जितनी एनर्जी लूज की, सपोज देखो फोर्स मतलब एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, अगर वो एक चक्कर में लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 जूल एनर्जी लूज करके आया, 1 एनर्जी मैंने दोबारा दी फिर। और सर अगर हम 0.5 जूल दें तो फिर कम भी हो सकता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में? रेजोनेंस में हाँ, मतलब वो कम नहीं होगा एम्पलीट्यूड, यूं बोल लो कि रेजोनेंस ने हेल्प नहीं किया उसको। ठीक है सर, यानी कि रेजोनेंस में हर बार एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो वो गलत है। ये कहना गलत है कि रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड कम हुआ, बट रेजोनेंस में हम इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं दी हमने कि उसने अपना एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया। ठीक है सर, यानी कि रेजोनेंस ने हेल्प नहीं करी उसमें, उसकी गलती नहीं है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, तो सर जो ये ब्रिज है वो मतलब विंड ने इतनी ज्यादा फोर्स लगाई कि वो कोलैप्स हो गया? हां जी, ठीक है सर। अभी ये दिखा रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की विंड चल रही थी उस टाइम। तो इट कैन बी डिजास्टर्स ना। तो सर पीछे तो पेड़ पौधे हिल नहीं रहे थे? मेरे को सर एनिमेशन लग रही है, वहां पे तो कैमरा भी नहीं था। तुम लोग एक काम करना, तुम लोग इसको सर रिसर्च करना, इस पर रिसर्च। ठीक है सर, वो टेस्ट के बाद करेंगे हम सर, अभी टाइम। हां, टेस्ट के बाद ही। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, एक वो भी होता है ना कि जो आर्मी होते हैं वो ब्रिजेस पे मतलब मार्च नहीं करते? बिल्कुल, या राइट, एग्जैक्ट, गुड एग्जांपल। आर्मी हमेशा अपना मार्च पास छोड़ देती है जब भी वो ब्रिज पे क्रॉस करती है। अगर वो मार्च पास करके जा रहे हैं तो ब्रिज पे जाते हुए दे डोंट डू दैट, वो नॉर्मल वॉक करके जाएंगे हमेशा ब्रिज पे। क्योंकि अगर वो सारे, तुम यू कैन ऑब्वियसली नो थिंक ऑफ द रीजन, है ना, सारे इकट्ठे अगर ब्रिज पे पैर मारेंगे तो मतलब तो फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच, राइट? ठीक है, कितना सोचते हैं लोग। ओके जी, ठीक है।